नमस्ते, मैं सुमन श्री एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे रबी की फसलों के लिए, तो उससे पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं रबी की फसलें। यदि हमें रबी की फसलें अगर एक ट्रिक के माध्यम से याद हो जाए तो क्या नहीं किया। अगर रबी की फसलें याद हो जाती है तो हमारी खरीफ की जो फसलें हैं वो वैसे ही अलग हो जाती है। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो रबी या खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी नहीं, इसी से संबंधित प्रश्न आता है। तो मेरी एक छोटी सी ट्रिक है, फिलोसफ के साथ बिठाई हुई है, तो उसके माध्यम से आप रबी की फसलों को बहुत जल्दी याद कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पूरी जो ट्रिक है वो पढ़ देती हूँ। रबी का सूरज, क्योंकि रबी की फसलों की बात हो रही है, तो रबी का सूरज सर पे चमका तो गंजो धनी जी की मोटर में तारा अलसा है। ठीक है, रबी की फसल में सबसे पहले जो फसल आ रही है रबी का सूरज, सूरज से यहाँ सूरजमुखी हो गया, सर से सरसों, चमका में च से चना है, म से मसूर है, का का कोई अर्थ नहीं है। गंजो, गन से बना यहाँ पर गेहूँ, जो से जो, धनी से धनिया, जी से जीरा, मोटर से मटर, तारा से तारा मिला और अलसाई से अलसी बनी है। बहुत लॉजिक के साथ बहुत छोटी सी ट्रिक मैंने बना के आपको दी है। आशा करते हैं ये आपको ट्रिक बहुत पसंद आएगी। आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, जिसको भी चाहे शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं इसको एक बार दोबारा से आपको एक लय में पढ़ के सुना देती हूँ। रबी का सूरज सर पे चमका तो गंजो धनी जी की मोटर में तारा अलसाई। बहुत अच्छी एक छोटी सी लॉजिक के साथ मैंने ट्रिक बनाई है। आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।